नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाला है, और स्पेशली करंट अफेयर में भी हम लोग यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से आपको यहाँ पर मिलेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो नेवी डबल ए और SSR का जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली होने वाला है, साथ ही साथ एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी सितंबर में होने वाला है, तो उसके लिए भी ये करंट अफेयर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। पिछली बार भी देखा गया था कि 2 क्वेश्चन आपके जो थे वो पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड थे, किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है और कब दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और अगर आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, क्योंकि SSC में तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, और रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। रेलवे LP का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, और उन 10 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि वो पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड आते हैं। तो पिछले 3 से 4 महीने तक की आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास में है एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार 2018 का, जो कि इसको दिया गया है और कब दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यह आपको दिया गया है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर द्वारा 2018 के एबेल पुरस्कार दिए गए हैं। इसका घोषणा 20 मार्च और 2018 को किया गया है, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी 20 मार्च 2018 को, और ये कब दिया गया था, इस वर्ष यह पुरस्कार कनाडा के गणितज्ञ रॉबर्ट पी लॉगनेंस की को प्रदान किया गया है। तो गणित का जो नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला पुरस्कार गणित के क्षेत्र में साधारण उपलब्धियों के लिए यह प्रदान किया जाता है, यानी गणित के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा करता है तो उसको यह दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। आपको ये ध्यान रखना है एबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार नहीं है, एबेल पुरस्कार है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, और ये दिया गया है, बस ये आप इतना भी ध्यान रख लेंगे तो इस व्यक्ति को आप फोटो से याद रख लीजिए, कैसे भी याद रख लीजिए, बस इतना अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एबेल पुरस्कार रॉबर्ट पी लॉन्गडेंस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बात करें तो यहाँ पर है वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2018, तो ये किसको दिया गया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपके पास में वार्की फाउंडेशन द्वारा ब्रिटेन की शिक्षिका, ठीक है, एंड्रिया जाफरी एकोउ को 18 मार्च 2018 को यह पुरस्कार पाने वाले ब्रिटेन की पहली महिला थी। देखिए, ये पहली महिला है इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। फाउंडेशन किसके द्वारा दिया गया है, वार्की फाउंडेशन, तो इतना याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नाम थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए, ठीक है, एंड्रिया जफरी काउ, ठीक है। तो ये थोड़ा फोटी से आप याद रखेंगे, इसको शिक्षिका के लिए यह दिया गया है, और फर्स्ट टाइम ये पहली महिला है जो ब्रिटेन की, इसे दिया गया है। उसके बाद बात करें कि UK गोल्ड फ्लेम अवार्ड, तो ब्रिटेन में आयोजित ये टंग्स ऑफ फायर UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेत्री सिमी गरेवाल ने UK गोल्ड फ्लेम अवार्ड सम्मानित 14 मार्च 2018 को जीता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फोटो आप देख लीजिएगा, इंडिया की लड़की है UK, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पे गोल्ड फ्लेम अवार्ड यहाँ पे ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, ब्रिटेन के अंदर, तो टंग्स ऑन फायर UK, ठीक है, टंग्स ऑन फायर UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेत्री सिमी गरेवाल को यहाँ पे मिला है, ये ध्यान रखना, सिमी गरेवाल। उसके बाद हम बात करें कि 27वीं GD बिरला पुरस्कार 2017 का, वो KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा कि GD बिरला, KK बिरला थोड़ा सा याद रह जाएगा। हैदराबाद में स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए, ठीक है, तो ये किसको दिया गया है, डॉक्टर राजन शंकर नारायण को 13 मार्च 2018 को ये दिया गया है, और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये दिया जाता है। तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा कि 2017 का GD बिरला पुरस्कार किसको दिया गया है, राजन शंकर नारायण को। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कोचोन पुरस्कार, तो ये TB रोग के लिए उपचार के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को यहाँ पे 13 मार्च 2018 को लिखने हैं कि पुरस्कार प्रधान कोचोन फाउंडेशन दक्षिणी कोरिया में पंजीकृत एक गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है, तो ये नई दिल्ली को यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे उसके बाद चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए वो है आपका प्रिजर्व आर्किटेक्चर पुरस्कार, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रसिद्ध आर्किटेक्चर प्रो बालकृष्ण दोषी को 7 मार्च 2018 को यह आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये भी ध्यान रख लेना आपके पास में, प्रीत जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और जो बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, ठीक है, 7 मार्च 2018 को। उसके बाद में यह आर्किटेक्चर का नोबल भी कहते हैं, ठीक है, नोबल पुरस्कार आर्किटेक्चर का कैसे कहते हैं, प्रीत जकर पुरस्कार।
ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है। उसके बाद में देखिए कि बालकृष्ण दोषी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। तो ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना, भारतीय ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। तो प्रीत्जर पुरस्कार जो आपके पास में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बालकृष्ण दोषी को मिला है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने यह मिला हुआ है, और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो यहाँ पे 90वां ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन पुरस्कार को एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, दो तीन बार रिवाइज करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और इनसे आपको दो तीन क्वेश्चन आसानी से मिलेंगे, यही से आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में देखिए अमेरिकी फिल्म उद्योग का सर्वाधिक प्रतिष्ठित 90वां ऑस्कर पुरस्कार लॉस एंजल्स अमेरिका ने प्रदान किया है 4 मार्च 2018 को। ये प्रथम पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है, ठीक है, तो किस किस को मिला है, तो ये सभी आपको थोड़ा सा देख लेना है। इसमें कई पुरस्कार दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे दिया गया है, द शेप ऑफ वाटर। तो देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मूवी भी बहुत अच्छी है, आप देखिएगा कभी मौका मिले तो, द शेप ऑफ वाटर। और यहाँ पे ये तो खैर याद ना रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है द शेप ऑफ वाटर, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशित यहाँ पे आपको दिया गया है गुरु डेल मोरमो डेल टोरो, ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पे गैरी ओल्डमैन, ठीक है, तो गैरी ओल्डमैन। और यहाँ पे कौन सी फिल्म में इन्होंने काम किया है उसके कारण दिया गया था, फिल्म डार्केस्ट टॉवर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं फ्रांसिसी मैकडोरमंस, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़े विदेशी करंट अफेयर हैं, लेकिन इसमें जो ये आपने देखा ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, द शेप ऑफ वाटर, ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार। उसके बाद में ये तो सह मतलब जो को वाले होते हैं इनको दिया गया है, इनके लिए आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है वो सर्वश्रेष्ठ के लिए ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के लिए इनकी नहीं दिया जाएगा आपको इतना तगड़ा क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, और ये ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट हो गया, ऑस्कर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो पुरस्कारों का वितरण है मानकों में किया गया है 2018 में, ये पुरस्कार इस प्रकार से हैं। और इसमें भी बस आपको ये देख लेना है कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, रोजर फेडर। देखिए टेनिस के लिए इसे खिलाड़ी को रोजर फेडर को दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रोजर फेडर से पिछले बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्रेंच ओपन से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया ओपन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रोजर फेडर को यहाँ पे दिया गया है, स्विट्जरलैंड के हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, ये सेरेना विलियमसन अमेरिका के हैं, ये भी टेनिस के लिए हैं, सेरेना विलियमसन अमेरिका के, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हो सकता है इस बार इसको फोकस ना करके इस पर कर ले। कम बैक ऑफ द ईयर रोजर फेडर को मिला है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद ए डिसेबिलिटी, तो ये मार्सेल हक को मिला है, ठीक है, डिसेबिलिटी के होते हुए भी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद ए डिसेबिलिटी मार्सेल हक को दिया गया है, ये भी स्विट्जरलैंड के हैं। तो देखिए ये जो मेन वाले दोनों हैं ये स्विट्जरलैंड के हैं जिनको दिया गया है, और उसके बाद में ये वुमेन हो गया आपके पास में, और कम बैक ऑफ द ईयर रोजर फेडर, ये दोनों। तो यहाँ पे दो रोजर फेडर के लिए यहाँ पे बात हो गई है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये आपके पास में सर्जियो, और ये स्पेन के गोल्फर हैं सर्जियो गार्सिया, ठीक है। एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हार्मेल ली कंची क्लिज, ठीक है, इनको भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रोजर फेडर वाला था ये तो आपको कम से कम ध्यान रखना ही है। और उसके बाद भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है टीम ऑफ द ईयर, ये आपके पास में मार्सिडीजी SMG पेट्रोनामासा F1 टीम, यहाँ पे जर्मनी की टीम है, तो ये इतना बड़ा नाम है ये ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिएगा कहाँ की थी जर्मनी की टीम ऑफ द ईयर, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे देखिएगा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडविंस मोसेस अमेरिका के हैं, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, एडविंस मोसेस। उसके बाद में गाइज ये इंडिया के कुछ पुरस्कार होंगे। कुष्ठ निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2017, जो कुष्ठ निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन का 2017 का यह पुरस्कार डॉक्टर MD गुप्ते व डॉक्टर अतुल साहा को दिया गया है, ठीक है, लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और डॉक्टर MD गुप्ते, ठीक है, और डॉक्टर अतुल साहा को दिया गया है, ये 25 फरवरी 2018 को दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, कुष्ठ रोग निवारण गांधी मेमोरियल पुरस्कार आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2017 का है वर्ष का, यह है पुरस्कार 2017 का है, लेकिन दिया गया है 2 फरवरी 2018 के अंदर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये आपके पास हो जाता है, और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए जाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना, गांधी मेमोरियल पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट रोग चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास में है
ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा, तो हम आगे देखते हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एसपीएन क्रिएन्को अवार्ड यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें 11वें एसपीएन क्रिएन्कोस अवार्ड 2017 की घोषणा 19 फरवरी को किया गई है, और इसके मान में प्रतिष्ठित वर्ष का कप्तान पुरस्कार पहली बार इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हीथर नाइट को दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो है ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज यहाँ पे ये आपके पास में नॉर्थन लियान ऑस्ट्रेलिया के, और सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज यहाँ पे फखर जमां पाकिस्तान के, मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के। तो ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होंगे। भारत के आप देख लीजिए, यजवंदर चहल, कुलदीप यादव, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ T20 के लिए अंदर, और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पदार्पण ये कुलदीप को दिया गया है। ठीक है, कुलदीप यादव को, जो इस बार टेस्ट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आपको करने को देखने को मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज यहाँ पे एवन लुईस दिया गया, ये वेस्ट इंडीज़ का था, ठीक है, ये भी ध्यान रखने ना। और उसके बाद में है सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज, हरमनप्रीत कौर भारत की हैं, ये तो ये भारत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ महिला गेंदबाज आन्या स्वरूप बोसोले, ठीक है, तो ये इंग्लैंड की हैं। उसके बाद में T20 में सर्वश्रेष्ठ ये यजवेंद्र चहल हो गया, गेंदबाज के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपके जो रिलेटेड है क्रिकेट से, ये भी थोड़े से आपको देख लेना है, जाकि इतने इम्पोर्टेंट ये नहीं है। उसके बाद में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018, ये प्रसिद्ध आपको दिया गया है पार्श्व गायिका आशा भोंसले को, 16 फरवरी 2018 को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 आशा भोंसले को दिया गया है, और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका के लिए दिया गया है। उसके बाद में है आपका है 68वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018, ये जर्नी जर्मनी में आयोजित किया गया है, और 15 से 25 फरवरी 2018 को दिया गया है, आयोजित किया गया था। और इसके अंदर सबसे फिल्म गोल्डन बियर पुस्तक पुरस्कार दिया गया है, वो है टच मी नॉट, निर्देशिका है एडिना पिटिंजले, ये आपको टच मी नॉट ये ध्यान रख लेना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन बियर पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का इतना आपको नहीं पूछा जाएगा। देखिए मैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने लायक है, वही मैं आपको यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, तो आप बने रहें इसके साथ और देखते रहें अंत तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे हॉकी स्टार्टर्स अवार्ड, ठीक है, ये हॉकी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय। देखिए ये 2017 देख के आप ऐसे कन्फ्यूज मत होएगा, 2017 के हैं, लेकिन ये दिए जा रहे हैं 2018 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी स्टार्टर्स अवार्ड के विजेताओं की घोषणा बर्लिनन के जर्मनी में की गई है, और कौन कौन विजेता है वो भी हम देख लेते। अब यहाँ पे देखिए वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है वो है ऑर्थन वैन डोरेन, बेल्जियम के हैं, हॉकी से रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्थन वैन डोरेन। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं वो है डेल्फिना मेरिनो, डेल्फिना मेरिनो अर्जेंटीना के लिए हैं, ये बेल्जियम के लिए हैं आपके पास हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी वो है ऑर्थन वैन डोरेन, लगातार दूसरी बार इन्हीं को ये पुरस्कार मिला गया है, ठीक है, हॉकी स्टार्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थन वैन डोरेन ये आपको ध्यान रखना है, 2 बार इनको मिल चुका है, और ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें। उसके बाद में बात करूँ मैं कि इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई महिला, तो ये मारिया जोस है। उसके बाद में ग्रानाटो अर्जेंटीना की, लगातार ये भी दूसरी बार में है, और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रूफ गोल कीपर, तो ये तो खैर इतना आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि तो इतना डीप में आपसे भी जिन एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उनसे नहीं पूछेगा, तो ये इसी के लिए अंदर सारे दिए जाते हैं, एम्पायर कौन है इन सभी को दिया जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं बेसिकली वही करवा रहा हूँ। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास में ये भी कुछ हो सकता है, ये आपके पास में है डॉक्टर वी सासाराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल को यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद में बात करूँ साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार 2018 का, तो ये महकमी भाषा के लिए प्रसिद्ध लेखक द्वारा डॉक्टर शेष आनंद मधुकर को 31 जनवरी 2018 को यह पुरस्कार पाने वाले वे महकमी भाषा के दूसरे लेखक हैं। तो देखिए महकमी एक भाषा है, उसके लिए ये दिया गया है, आपको ध्यान रखने ना आपको। उसके बाद में चलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और देखिए फिर से स्टार्ट होता है ये ग्रैमी पुरस्कार, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये भी आपको देख लेना है। 60वें ग्रैमी अवार्ड आपके 2018 के हैं, वो संगीता के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड, संगीता के नोबेल पुरस्कार, ठीक है, संगीत के लिए नोबेल पुरस्कार में दिया जाता है, तो ये आपका ग्रैमी पुरस्कार होता है, ठीक है, ये बेसिकली म्यूजिशियंस को दिया जाता है, तो इसमें क्या क्या होता है ये देखना है, और इससे पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। 60वें संस्कार का ये आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क अमेरिका में 28 जनवरी 2018 को किया गया था। विभिन्न वर्गों में ये प्रदान किया गया पुरस्कारों में से कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार इस प्रकार से हैं,
तो इनको थोड़ा सा देख लीजिए आप। एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है, 24K मैजिक ब्रूनो मार्स, ठीक है, तो ब्रूनो मार्स गीतकार के लिए दिया गया है इनको, और ये आपके पास में इनका एल्बम जो है एल्बम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम? ग्रैमी पुरस्कार, और 60वां संस्करण इनका है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 24K मैजिक, और ये ब्रूनो मार्स को ही दिया गया है। तो देखिए, दो पुरस्कार इनको मिले हैं। सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है, दैट्स वाइट ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट्स व्हाट आई लाइक, दैट वर्ड्स आई लाइक, ब्रूनो मार्स को। देखिए, लगातार तीन पुरस्कार इनको दिए गए हैं, तो सॉन्ग ऑफ द ईयर, और एल्बम ऑफ द ईयर, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, तो तीन पुरस्कार हैं। तीनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है कि एक साथ आपसे पूछ ले कि ब्रूनो मार्स को कितने पुरस्कार दिए गए हैं, तो एक साथ ही आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, यहाँ पे एलिसिया कारा, एलिसिया कारा बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। उसके बाद में है बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, सेफ ऑफ यू एडवर्ड सीरन, ठीक है। उसके बाद में बेस्ट पॉप ड्रोवो ग्रुप परफॉर्मेंस में यह है आपके पास में फील इट इज स्टिल, ये आप पुर्तगालन द मैन, ठीक है। उसके बाद में है बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम, ये आपके पास में टोनी बेलेन सेलिब्रिटीज, ठीक है, ये 90 डे बेनेटा निर्माता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ब्रूनो मार्स याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, और ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एहसान डागरामा की फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड द्वारा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल को दिया गया है 27 जनवरी 2018 को। तो ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एहसान डागरामा की फैमिली हेल्थ फाउंडेशन और WHO हैं, और ये नीति आयोग के सदस्य भी रहेंगे, जिनको ध्यान रखना है आपको। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जितने करंट अफेयर आपके थे वो अभी आपने, आपको बता दूं, अप्रैल और मई के जो करंट अफेयर थे इम्पोर्टेंट आपके अवार्ड से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो गए हैं। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको अवार्ड से रिलेटेड ही करंट अफेयर मिल जाएंगे, वो आपके जून और जुलाई के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनसे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपके लिए जो कुछ और इम्पोर्टेंट एरियाज से करंट अफेयर हैं, उनका भी मैं कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, साथ ही साथ आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ऐसे, और सभी को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और आप भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। बाय बाय।